वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपको याद होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी पे मैंने बहुत सारे लेक्चर डाले हैं। आज हम जो कराने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आप लोगों को करने हैं, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। उस थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे सेल के बारे में, इनफैक्ट सेल है क्या। तो देखिए बेटा, यहाँ पर सभी लोग फैमिलियर होंगे आईक्यूज को, टेंथ में कराया गया होगा। सबसे पहले मैं सेल की बात करूं, क्या होता है एक कंटेनर है और इसके अंदर हम एक भर देते हैं इलेक्ट्रोलाइट। मान लो सोडियम क्लोराइड भर दिया Na प्लस Cl माइनस, क्योंकि जैसे लिक्विड में रखोगे डिजॉल्व, क्या कहते हैं दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड डाल देते हैं मेटेलिक प्लेट्स लाइक दिस। इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A है और इनके बीच की डिस्टेंस हमने स्मॉल d मान ली। ये बेसल है। एक पॉजिटिव दैट इज एनोड, एक नेगेटिव दैट इज कैथोड। ठीक है। नाउ इस सोर्स ऑफ एनर्जी हम कनेक्ट करते हैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर सी विद द हेल्प ऑफ की। अभी की हमने ओपन रखा, ये हमारा है सेल। एक चीज ध्यान देना है यहां पे, इसको हम लोग जो सिंबल इसका करते हैं, लिखते हैं सेल का एक टर्मिनल बड़ा एक छोटा, बड़े टर्मिनल को हमेशा प्लस छोटे वाले को माइनस। जो दोनों ये हमारे क्या है दीज आर द इलेक्ट्रोड, दिस इज एनोड, ये हमारा क्या है बेटा दैट इज कैथोड, और हम इन्हें कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज, दोनों की बात करें तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस है ऑफ सेल। ये कब, एट ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब, ओपन सर्किट का मतलब जब करंट क्या हो जीरो, ऐसा तभी पॉसिबल है जब रेजिस्टेंस क्या हो एक्सटर्नल इनफाइनाइट। तो उस समय जो टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा ईएमएफ ऑफ सेल। और यहां पे देखते हैं तुमने छोटा सा एक रेजिस्टेंस बनाया है स्मॉल आर, और हम इसे कहते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये सिंबल है। एक और भी सिंबल है इसका, आप कुछ बुकें बनाती हैं इस तरीके से लाइक दिस। तो कंफ्यूज मत होना आप, ये भी सिंबल। अगर इसको समझिए डिटेल में, जैसे ही की को हम क्लोज करेंगे, पहले मैं बात करता हूं यहां पे एक नोट करके डालता हूं। अगर मैं कहता हूं पूरे सर्किट को अगर हम डिजाइन करें तो एक तो सोर्स ऑफ ईएमएफ और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रोलाइट ऑफर करेगा, और एक
जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट इनफैक्ट कुछ इस तरीके से हो, चाहो तो यहाँ पे की लगा दो, की को क्लोज करोगे तो करंट हमारी फ्लो करेगी इस तरीके से। तो जो करंट की बात करता हूं मैं वो क्या है हमारी E बाई सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ए में बाई टोटल रेजिस्टेंस, यही होता है ना करंट। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा मेरे बच्चे, R प्लस स्मॉल R। अब देखिए जरा यहां, अगर मैं ओपन सर्किट की बात करूं तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो, सॉरी इनफाइनाइट होगा। ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो अगर हम इसमें रख दें तो आई हमारा क्या होगा, ई बाई इंफिनिटी मीन्स जीरो। ओपन सर्किट में क्या होगा, नो करेंट, मीन्स ना तो इलेक्ट्रोलाइट में कोई करंट फ्लो करेगी ना ही एक्सटर्नल सर्किट में। लेकिन अगर मैं क्लोज सर्किट की बात करूं तो क्लोज सर्किट में क्या होगा, आर हमारा होगा फाइनाइट। आर क्या होगा बेटा, फाइनाइट। तो उस समय करंट की वैल्यू हमारी होगी ये, और जो जीरो नहीं होगी। अब देखिए क्या, जैसे की को क्लोज करोगे सर्किट में करंट ए से बी की तरफ फ्लो करेगी इस रेजिस्टेंस में, और इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट करंट का डायरेक्शन क्या होगा हमारा, कैथोड टू एनोड होगा, तभी तो सर्किट हमारा कंप्लीट होगा। बात समझ में आ रही, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्यों, क्योंकि जो आयंस है इनका मूवमेंट होगा एनोड की तरफ, कौन से आएंगे, क्लोरीन आयन, कैथोड की तरफ कौन से जाएंगे, सोडियम आयन। तो इनके मूवमेंट ये एक्ट करेंगे कैसे, ये दोनों कैसे एक्ट करेंगे, एज चार्ज कैरी। बात समझ में आ गई। तो ये क्लोज सर्किट में डायरेक्शन ऑफ करंट इन कैपिटल आर इधर होगा ए टू, वाइल इन इलेक्ट्रोड या इन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, फ्रॉम कैथोड टू। बात समझ में आ गई, यहां तक तो कोई दिक्कत होगा नहीं। अब हम बात करते हैं एक पॉइंट यहां पे जो हमने लिया था, इस आर को हम क्या कहते हैं बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो इन फैक्ट इंटरनल रेजिस्टेंस है क्या, देखिए स्मॉल आर से हम डिनोट करते हैं, जब आयंस का मूवमेंट होगा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के, ठीक है, तो इसके वे में एटम्स या जो मॉलिक्यूल है इलेक्ट्रोलाइट के वो एक प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे, क्योंकि उनमें क्या होगा, कोलिजन होगा। तो वो जो ऑब्स्ट्रक्शन हमारा है दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हुआ, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द एटम्स और मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द वे ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंस। देखो एक एक पॉइंट मैं लेके चलता हूं यहां पे, आर डायरेक्टली होगा डी के, डी हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड,
दोनों के बीच की। ऑब्वियसली डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगा नंबर ऑफ कोलिजंस उतने ही क्या होंगे, ज्यादा होंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगी, बढ़ जाएगी। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, सेकंड, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए। ए क्या है हमारा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। समझ गए? तीसरा जो पॉइंट हमारा है बेटा, थर्ड वन, ध्यान देना कि आर डायरेक्टली है सी। सी जो हमारा है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मींस अगर डाइल्यूट होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा तो डेफिनेटली क्या होगा हमारा, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्या रीजन है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा तो डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो कोलिजंस क्या होंगे, ज्यादा होंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अब देखिए एक और पॉइंट हमारा जो है फोर्थ, आर डायरेक्टली टेम्परेचर, मींस अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर बढ़ा रहे तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मोशन जनरली ये देखने से लग रहा है, ये तो लगता है देखने से, बट इनफैक्ट यहां पे केस इसका उल्टा है। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ेगा तो कोलिजंस की संख्या होगी कम, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहां पे जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, डिक्रीज। तो यहां पे इंक्रीज नहीं होगा, क्या होगा बेटा, मोस्टली बच्चे इसको कंडक्टर से क्या कर देते हैं, लिंक कर देते हैं, ठीक है बेटा। एक चीज और ध्यान देना, बिगिनिंग में जो फ्रेश सेल होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, लेकिन जितनी लंबे समय तक हम सेल को यूज करेंगे उसके बाद उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जो फ्रेश सेल है, फिफ्थ जो पॉइंट हम लेते हैं यहां पे नोट करके डाल दे रहा, जो फ्रेश सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल, ठीक। और आफ्टर लॉन्ग यूज, आफ्टर लॉन्ग यूज इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये पॉइंट है जो आपको क्या करने पड़ेंगे, याद रखना। तो बेसिक चीजें मैंने आपको बता दिया। एक चीज ध्यान देना, जब सर्किट में करंट नहीं होगी तो एक और ध्यान देना यहां पे, जो थ्रू आउट पोटेंशियल जो होगा हमारा ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या होगा बेटा, सेम। तो ये पॉइंट भी याद रखना, बात समझ में आ गई। तो ये जो कुछ बेसिक चीजें थी जो जिन पे कोई कोई पॉइंट पूछा जाता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम एक एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे फेस के ऊपर, ठीक है। देखिए बेटा, जो मैंने सेल की बात की थी तो मैंने रिप्रेजेंट कराया था सेल को, हम हमेशा इससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस माइनस सेल का ईएमएफ, और दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस। ये नॉन आइडियल सेल की बात कर रहा हूं, स्मॉल आर जीरो होगा किसके लिए, फॉर आइडियल सेल। आप जानते हो आइडियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, बात समझ में आ गई। अब देखिए इसमें हम केसेस लेते हैं सेल के अंदर बहुत सारे। तो पहला केस लेते हैं ड्यूरिंग चार्जिंग,
ड्यूरिंग चार्जिंग की जगह पहले हम ले लेते हैं डिस्चार्ज ऑप्शन। डिस्चार्जिंग का मतलब है कि हम सोर्स से करंट विड्रॉ कर रहे हैं। जैसे एक छोटा सा सर्किट बना रहा हूं मैं, मान लो ये सोर्स ऑफ ईएमएफ है, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस, और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया एक एक्सटर्नल से। तो सोर्स ऑफ ईएमएफ का मेन फंक्शन क्या होगा, इस सर्किट में करंट के फ्लो को मेंटेन करना। इनफैक्ट जब हम ईएमएफ को डिफाइन करते हैं, ईएमएफ ऑफ तो कैसे डिफाइन करते हैं कि सर्किट में करंट के फ्लो को मेंटेन करने के लिए, चार्ज के फ्लो को मेंटेन करने के लिए सेल के द्वारा कुछ वर्क परफॉर्म किया जाता है। तो जो वर्क होगा डब्ल्यू बाई क्यू, समझ में आ गया। तो अगर हम क्यू को वन कूलम माने तो ई किसके बराबर होगा, डब्ल्यू। मींस यूनिट चार्ज के फ्लो को मेंटेन करने के लिए सेल के द्वारा जो वर्क परफॉर्म किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, या आप कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ द सेल। ये चीज क्या है हमारा, दिस इज वी एंड दिस इज कॉल्ड वी प्लस प्लस वी माइनस, मींस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड या बिटवीन टर्मिनल ऑफ सेल, टर्मिनल ऑफ सेल। तो ये तो अलग बात हो गई। तो इस केस में मान लो सर्किट से करंट ये ली गई, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो सेल के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे। आप इस पोर्शन में किरचॉफ का लगा दो, सिर्फ यहां तक ये हमने पाथ लिया। किरचॉफ लॉ क्या है, सिग्मा वी इक्वल टू जीरो होता है। चलिए ए से पोटेंशियल वी ए, प्लस से माइनस, माइनस ई बता रखा ना मैंने आपको, करंट के अगेंस्ट जा रहे हो तो प्लस आई इंटू आर, और ये किसके बराबर होगा, तो वी ए माइनस वी बी, ई उधर ले गए माइनस आई, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो ई माइनस आई आर, तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग जो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टर्मिनल ऑफ सेल, वो क्या होगा, छोटा होगा इससे ईएमएफ ऑफ सेल से। बात समझ में आ गई। अब ये तो हमने डिस्चार्जिंग की बात की है, अगर मैं चार्जिंग की बात करूं बेटा तो क्या होगा, देखिए इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं यहां पे। तो केस सेकंड मेरे बच्चे, ड्यूरिंग चार्जिंग, आप जानते हैं सेल को चार्ज करते हैं, चार्जिंग का सर्किट क्या आएगा, दिस इज सोर्स ऑफ ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, और हमने इसको एक बैटरी से इसको चार्ज कर दिया बेटा। तो अब करंट का डायरेक्शन हमारा ये होगा, दिस इज ए दिस इज बी, और लगा दीजिए फिर चार्ज का। तो अब क्या आएगा बेटा, ए पे पोटेंशियल हमारा क्या है, बोले मेरे बच्चे वी ए, करंट इधर जा रही प्लस से माइनस तो माइनस ही, करंट के डायरेक्शन में तो माइनस आई आर किसके बराबर होगा, सिर्फ इस पार्ट में हमने लगाया है। तो अब वी ए माइनस वी बी ई प्लस आई आर, अब देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस आया ई प्लस आई आर है, तो आपने क्या देखा कि इस केस में जो वी पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज्यादा है ईएमएफ ऑफ, मींस जो टर्मिनल पोटेंशियल है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल ईएमएफ ऑफ सेल से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है,
कैसे थर्ड केस लेके हम डिस्कस करेंगे, जरा ध्यान देना। दो केस हो गए हमारे। थर्ड केस जो हम लेते हैं, देखिए थर्ड केस, ठीक है, अगर हम ओपन सर्किट की बात करें, ओपन सर्किट में करंट क्या थी बताया था बेटा मैंने, कैपिटल आर इनफाइनाइट होगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताया था ना, इस केस की बात करो तो V स्क्वायर टू E माइनस आई आर होता है, तो ये फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। तो V किसके बराबर होगा, E। मींस जब हम कोई भी करंट विड्रॉ नहीं करेंगे किससे, सेल से, लाइक दिस, करंट हमारी क्या है, जीरो है सर्किट में, तो इस केस में V किसके बराबर होगा, E के। आप इसको और भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, इफ नो करंट इज टेकन और गिवन टू द सेल या फ्रॉम द सेल, then the terminal potential difference across the cell is equal to electromotive force या EMF force। समझ में आ गया, कितने केस हमने हो गए, तीसरा केस हो गया, ओपन सर्किट की हमने बात कर ली, अब हम शॉर्ट सर्किट की बात करते हैं, तो चौथा जो हमारा केस है, केस फोर my dear, ये है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किटिंग में क्या होता है, जैसे मान लो ये बेटा हमारा सोर्स ऑफ ईएमएफ है, और हमने इसको कनेक्ट किससे किया था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, अब हमने शॉर्ट कर दिया, देखो एक वायर से, वायर से हमने सेल को क्या कर दिया, शॉर्ट। तो इस केस में क्या होगा बेटा, शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब करंट यहां से यहां जाएगी, इसमें नहीं जाएगी, तो आप लगाइए कि V इक्वल टू E माइनस आई आर, और I क्या होगा, E अपॉन स्मॉल r, क्योंकि अब इधर करंट नहीं जा रही इसके अंदर, अगर हम रख दें बेटा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस E अपॉन r इनटू r, तो क्या हो गया, शॉर्ट सर्किटिंग में, याद रखना शॉर्ट सर्किटिंग सर्किट के अंदर क्या होगा, सेल के टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बेटा क्या होगा, जीरो। बात समझ में आ गई, तो ये हमारे बेसिक केसेस थे जो मैंने डिस्कस किया, अभी सेल की बात की, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात की, सेल के चार केसेस बताए, चार्जिंग की बात की, डिस्चार्जिंग की बात की हमने, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट, इसकी हमने बात की, ठीक है। देखिए बेटा, जैसे मैं रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग की थी, मैंने कैपेसिटर की ग्रुपिंग की, वैसे ही हमारी सेल की भी ग्रुपिंग होती, क्यों, क्योंकि जब हम बड़ी बैटरी बनाते हैं, जो बैटरी हमारा होता है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में दो कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे फिलहाल, एक तो सीरीज की और एक पैडल की, उसके बाद फिर हम मिक्स की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, उसमें सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लो बेटा दो सेल हैं हमारे पास, एक सेल का ईएमएफ ई1 और दूसरे का ई2, इंटरनल रेजिस्टेंस आर1 आर2 है, और हमने इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में कैसे करेंगे, पहले का प्लस टर्मिनल, दूसरे सेल का प्लस टर्मिनल, और पहले वाले सेल का माइनस टर्मिनल कनेक्ट कर, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करिए, तो जो हमने दो सेल लगाए इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ हमने ई लिया और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने आर लिया, दिस इज ए, दिस इज बी, ये क्लोज सर्किट है, करंट हमारी जो इसमें होगी वही इसमें होगी, दैट इज आई। तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, इक्विवेलेंट
EMF and this is equivalent क्या बेटा internal resistance ठीक है बेटा क्या करेंगे पहले समझिए पहले मैं इसमें किरचॉफ लॉ लगाता हूं ये हमने पाथ ले लिया तो किरचॉफ लॉ क्या होगा बेटा बोलिए मेरे बच्चे समेशन v इक्वल टू 0 द अल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट विल बी 0 इन अ क्लोज सर्किट करंट है तो ये सर्किट क्या होगा हमारा क्लोज होगा लगाइए तो क्या होगा va प्लस से माइनस तो माइनस ई करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो प्लस आई आर इज इक्वल टू वीबी तो वीए माइनस वीबी क्या है बेटा बोले मेरे बच्चे ई उधर ले गए आई आर उधर ले गए तो वी इक्वल टू क्या हो गया ई माइनस आई आर समझ गए अब सिमिलरली देखिए ए बी और इस पॉइंट को हम सी मान लें तो वी ए माइनस बी बी इसमें अगर हम लगाते हैं तो वी ए माइनस बी सी क्या होगा ई वन अरे ई माइनस आई आर था तो ई वन माइनस आई आर सिमिलरली VC माइनस VB E2 प्लस सॉरी माइनस IR2 दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड इनको अगर मैं ऐड कर दूं ये कट जाएगा तो यही आएगा तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा बेटा बोले मेरे बच्चे वी ए माइनस वी बी इनको ऐड करोगे तो क्या होगा बेटा ई वन प्लस ई टू माइनस आई आर वन प्लस आर टू बात समझ में आ गई और ये वैल्यू उठा के आप पुट कर दीजिए फ्रॉम ए तो फ्रॉम ए ई माइनस आई आर E equivalent है तो R equivalent है तो this is equivalent तो क्या हो गया बेटा E1 plus E2 minus I in bracket R1 plus R2 बात समझ में आ गई अब देखिए इनको आप कंपेयर कर दो दोनों तरफ तो इसको कंपेयर करोगे तो ये मिलेगा और इसको कंपेयर करोगे तो ये मिलेगा तो आपने क्या दिखा दिया कि जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा बेटा वो क्या होगा ई वन प्लस ई टू और आर इक्विवेलेंट जो आएगा बेटा दैट इज आर वन प्लस आर टू समझ में आ गई अब देखिए जरा यहां पे हम इन जनरल पॉइंट लिखते हैं तो इन जनरल क्या होगा मेरे बच्चे अगर मैं कहता हूं इफ एन सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज तो क्या बनेगा बेटा E1 plus E2 so on EN या E summation 1 से N EI सारे ऐड होते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा R1 plus R2 plus so on RN या summation 1 से N RI
तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा जो मैंने आपको क्या कर दिया यहाँ पे डिस्कस कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गई। एक चीज और देना एक सेकंड में कि मान लो दो हमारे सेल अपोजिट पोलैरिटी में हो, इसका आर्बर है इसका क्या है बेटा आर्बर, तो इक्विवेलेंट जो आएगा E1 माइनस E2 आएगा, बट R इक्विवेलेंट वही होगा R1 प्लस R2। इसको आप डाल सकते हैं। और यहां पे मेरे बच्चे अगर मान लो आइडेंटिकल सेल होते तो फॉर आइडेंटिकल सेल ये क्या होता एनी, और ये हमारा क्या होता आइडेंटिकल के लिए आर इक्विवेलेंट एन आर, फॉर आइडेंटिकल एन सेल। तो ये हमारा जो था वो सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। इस लेक्चर में बेटा इतना ही, हैव अ नाइस डे।